हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड, जैसे हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा इमीडिएटली उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। जैसे कि फ्रेंड्स, हर बार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया टॉपिक लेकर आता हूं। जैसे कि फ्रेंड्स, आज यूएमटी का जो MTK टूल है इसके अंदर काफी सारी अपडेट आ चुकी है। जो काम हम अभी तक दूसरे टूल्स के साथ किया करते थे, जो प्रोग्रामिंग टूल्स थे हमारे, या UFI बॉक्स है, जैसे कि UFI बॉक्स या इजी अटैक बॉक्स या फिर कोई भी एक प्रोग्रामिंग बॉक्स के साथ जो हम पार्टीशन वगैरह रीड एंड राइट किया करते थे, जो इरेज किया करते थे दोस्तों, जो कि हम कॉलकम में पहले से ही MTK में कॉलकम में UMTK के कॉलकम टूल में पहले से ही ये सारी चीजें मौजूद थी, बट MTK के लिए ये ऑप्शन नहीं था। तो UMTK ने अपने आप को अपडेट किया है, काफी सारे CPU को उन्होंने इसके अंदर अपडेट किया है और बहुत ही अच्छा पार्टीशन को रीड और राइट करने का एक ऑप्शन दिया है। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, इस वीडियो में मैंने पूरा इंस्टॉल कैसे करना है वो भी बताया है आपको, और पार्टीशन टाइप टैब को रीड और राइट कैसे करना ये बताया। क्योंकि फ्रेंड्स, MediaTek की जो सिक्योरिटी फाइल्स होती है, NV फाइल्स होती है, जो डाटा फाइल्स होती है, NV RAM, NV डाटा वगैरह जितने भी फाइल्स होती हैं, उसको कैसे रीड करना है, कैसे राइट करना है, कैसे बैकअप लेना है, कैसे RPMB क्लीन करना है, RPMB का तो MediaTek में कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें ऑप्शन दिया गया है RPMB रीड एंड राइट करने का। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। दोस्तों, अगर से आपको MMC प्रोग्रामिंग की पूरी क्लास अगर ज्वाइन करनी है, ओनली 10 डेज दीजिए, हम आपको MMC का मास्टर बना देंगे। UFI बॉक्स, इजी अटैक बॉक्स के साथ आपको फ्लैशिंग, FRP, अनलॉकिंग, प्रोग्रामिंग, 90% कंज्यूम, हेल्थ रिपेयर करना, डैड बूट रिपेयर करना, साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट डुअल लेकर की क्लास देते हैं। अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप करिए, डिटेल ले लीजिए, 10 दिन दीजिए अपने आप को और सॉफ्टवेयर और MMC का प्रोग्रामर बनाइए। फोन फिक्स हैदराबाद टीम के साथ जुड़ जाइए। वीडियो पूरा एंड तक देखें। थैंक यू वेरी मच। आपको यहां बताऊंगा ओपन करके, तो यहां पे अगर आप जाओगे तो यहां पे देखो इंस्टॉलर में एक आपको न्यू बोल के, मतलब यहां पे अभी एक फाइल अपलोड हो गई है, तो यहां पे आपको लेटेस्ट फाइल मिल जाएंगी। तो यहां पे देखिए कि यहां पे अल्टीमेट MTK 4.9 अभी का एक लेटेस्ट अपडेट आया है MTK के अंदर। तो इसके अंदर क्या चेंजेस है और क्या न्यू आया है हम यहां पे टूल ओपन करके देखेंगे। तो ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है मेरे सिस्टम पे और मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहां पे हम टूल ओपन सिंपली ओपन करेंगे, तो यहां पे देखिए हमारा टूल ओपन हो जाएगा और इसके अंदर हमें क्या नया देखने के लिए मिलेगा मैं आपको यहां पे डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आप लास्ट तक वीडियो देखिए। तो यहां पे देखिए, जैसे कि हम MTK वर्जन 4.8 तक हमने देखे थे कि यहां पे आपको तीन टैब मिलते थे, एक फ्लैशर मिलता था, टूल एंड FRP मिलता था और MTK वन क्लिक का ऑप्शन मिलता था। तो इसके अंदर न्यू अपडेट आया है कुछ पार्टीशन मैनेजर बोल के, एक लास्ट में आपको देखने मिलेगा यहां पे, जिसके अंदर जैसे कि आप UMTK का QC फायर यूज किया होगे, एडवांस फ्लैशर, जैसा कि वो टैब के अंदर आप जो काम कर सकते थे वही काम MediaTek के अंदर नहीं हो रहा था। और आज की डेट में 4.9 के वर्जन में MTK के अंदर पार्टीशन मैनेजर का एक अपडेट दिया है, जो कि हम QC फायर में यूज करते थे वही प्रोसेस हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे करते हैं प्रोसेस, इसे कैसे यूज करना है और किस लिए यूज किया जाता है, तो हमें यहाँ पे आपको डिटेल्स में बताएंगे सभी। तो यहाँ पे अगर आपको पहले कनेक्ट करना होगा, यहाँ पे कनेक्ट का एक ऑप्शन है और एक रीड है, राइट है, फॉर्मेट है, आपको यहाँ पे चार ऑप्शन मिलेंगे। तो अभी यहाँ पे तो पहले आपको कनेक्ट का ऑप्शन दिखा रहा है, बाकी के सब हाइड है क्योंकि यहाँ पे हमारा अभी फोन कनेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी एक MTK का फोन कनेक्ट करेंगे, जो कि ऑफ कंडीशन में कनेक्ट करना रहता है और उसका एक ब्रोम मोड, फ्लैश मोड में कनेक्ट करते हैं हम उसे फोन में। तो यहाँ पे हमारे पास एक फोन है Redmi 6 का, तो यहाँ पे हम उसे फोन कनेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे पहले कनेक्ट करेंगे और अब यहाँ पे आपको वेटिंग फॉर डिवाइस इन ब्रोम मोड, मतलब आपको यहाँ पे वेटिंग कर रहा है आपके फोन कनेक्शन का। तो अब यहाँ पे हम फोन करेंगे सिंपली, तो हमारे यहाँ पे फोन हो गया है कनेक्ट। ठीक है, पहले तो आपका ये बाईपास कनेक्ट होता है, उसके बाद बाईपास होने के बाद आपका फोन का स्टोरेज इन्फो उसका पूरा रीड करके
आपका यहाँ पे फोन पूरा पूरा पार्टीशन यहाँ पे रीड कर लिया, पहले ये ऑप्शन नहीं था और अभी ये यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया है। तो इसके अंदर जो जो फाइल्स है हम यहाँ पे उसके चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो ये बूट पारा है, पारा फाइल्स है और NVCFG NV डाटा। यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो फ्लैशिंग के अंदर ये सारे फाइल्स नहीं आते, यहाँ पे ये जो फाइल्स बताता है आपको योफाय और इजी जेटेक के अंदर ये सारे फाइल्स बताता है। जब हम MMC निकाल के यहाँ पे फाइल्स का हम सिक्योरिटी रिपेयर बैकअप करते हैं, हम यहाँ पे सिक्योरिटी बैकअप करते हैं, वही फाइल हम यहाँ पे बिना MMC निकाले, यहाँ पे हम बिना MMC निकाले फोन को डायरेक्ट कनेक्ट करके इसका सिक्योरिटी के फाइल्स हम डायरेक्टली बैकअप कर सकते हैं। तो बता सकते हैं हम कैसे इसे कैसा प्रोसेस करना रहता है, क्या क्या इसका सिक्योरिटी फाइल्स रहता है, यहाँ पे सब बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ पे Protect 1 Protect 2, जैसे कि इसका IMEI 1 IMEI 2 होता है, NV डाटा और एक NV RAM का एक फाइल होता है जो कि आपका बेसबैंड से लेके रिलेटेड इशू रहता है, जो आपका नेटवर्क और बेसबैंड का काम करता है। तो यहाँ से हम उसका क्या कर सकते हैं, उसका बैकअप यहाँ से ले सकते हैं और चाहे तो हम यहाँ से पूरा बैकअप भी ले सकते हैं अगर किसी का सॉफ्टवेयर वगैरह करना है। जैसे कि यहाँ पे सारे सिस्टम फाइल, वेंडर फाइल, आपको पूरे फाइल्स मिल जाएंगे फ्लैशिंग वाले, ठीक है। तो यहाँ से हम सारे फाइल्स, परसिस्ट फाइल, जो कि यहाँ पे परसिस्ट फाइल भी बता रहा है, परसिस्ट फाइल क्या काम कर सकता है ये भी हम आपको यहाँ पे बताते क्लास में, और बाकी के NV RAM के अंदर, NV डाटा के अंदर, IMEI Protect 1 Protect 2 के अंदर कैसे इसका बैकअप लिया जाता है, इफ्यूज क्या होता है, ये सारा हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो चलो यहाँ पे सिंपली हम पहले फाइल्स हम बैकअप करके देखते हैं। सबसे पहले कि देखो अभी यहाँ पे ये ऑप्शंस जो है, हम जब फोन कनेक्ट करने से पहले यहाँ पे ये ऑप्शंस हाइड था, लेकिन अभी यहाँ पे सारा फंक्शंस क्या हो गया है, यहाँ पे इनेबल हो चुका है क्योंकि हमारा फोन अभी कनेक्ट है। तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी फाइल्स का जैसा बैकअप ले सकते हैं, कोई भी फाइल्स हम यहाँ पे बैकअप कर सकते हैं, पारा वाली फाइल्स ले सकते हैं, FRP फाइल्स ले सकते हैं, Protect 2, NV डाटा, परसिस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा, NV RAM मिल जाएगा देखने के लिए। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, इसे यहाँ से रीड करेंगे, तो हम यहाँ से रीड करके राइट भी कर सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ से इसको फॉर्मेट करके दूसरी फाइल भी राइट कर सकते हैं। किसी का अगर IMEI नल बता रहा है या कुछ सिक्योरिटी या बेसबैंड वगैरह शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ से हम उसके लिए रिप्लेसमेंट फाइल रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रीड करेंगे, जैसा कि रीड करने के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट सेव लोकेशन, जहां अगर आपको सेव करना है, आप आपके हिसाब से आप सेव कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे करना है डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, जो चाहे वो फोल्डर में हम यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। तो एक डेस्कटॉप पे मैं कोई भी एक फोल्डर बना के समझो कि फोल्डर बना लेता हूँ। सबसे पहले हमारा ये Redmi 6 का फोल्डर बना लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे हमने एक Redmi 6 का फोल्डर बना दिए, तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे आके देखेंगे हमारा यहाँ पे फोल्डर जो है Redmi 6, ठीक है। यहाँ पे हम ओके करेंगे और हमारे यहाँ पे जितने भी फाइल्स हमने जो जो टिक लगाए थे, ये हमारा फाइल्स क्या होगा, यहाँ पे वन बाय वन करके एक एक करके सारा फाइल्स हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे रीड हो रहा है, हम यहाँ से इसका बैकअप ले सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा रीड होने तक वेट करना है आपको, और यहाँ पे आके देखते हैं हम। सबसे पहले देखो यहाँ पे मेरा जो जो हमने फाइल्स को रीड किया हुआ है, यहाँ पे सारा हमारा फाइल्स ऑलरेडी पूरा बैकअप हो गया है, और यहाँ पे देखो पूरा हो गया, डन आ गया, सेव टू। आपको यहाँ पे फोल्डर बता रहा है कि आपका फोल्डर जहाँ पे डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे सेव हो गया आपका ये फाइल। और यहाँ पे हम इसको जो हमने टिक लगाया, चाहो हम इसे यहाँ से वापस से फॉर्मेट करके यही फाइल को वापस से हम यहाँ से राइट कर सकते हैं। तो इसके अंदर राइट करने का भी ऑप्शन कैसा होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे सब पे टिक लगा के हमने इसे रीड किया था, तो राइट अगर करना होगा तो राइट करने के लिए आपको यहाँ पे आपको दो डॉट दिख रहा होगा इसी के सामने। अगर आपको कोई पारा फाइल को राइट करना है तो आपको यहाँ पे एक दो डॉट वाला फोल्डर लग रहा होगा जो कि यहाँ पे उसका एक पाथ होता है। तो यहाँ से हम जैसे ओपन करेंगे तो आपको वही आपको यहाँ पे फाइल्स के लिए रिक्वायरमेंट पूछ रहा है कि जो फाइल्स इसे देना है। तो यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप पे फाइल है, हमने यहाँ पे Redmi 6 के अंदर इसका सेव किया था। तो जैसे कि हमने पारा पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पारा शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे पारा पे सेलेक्ट करके यहाँ पे फाइल्स को लोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम वन बाय वन करके जो भी फाइल्स हमने रीड किए थे वो सारा वन बाय वन करके हम यहाँ पे उसे यहाँ पे फोल्डर में दे के यहाँ से उसको राइट कर सकते हैं। जैसा NV डाटा की जगह पे NV डाटा देना है, FRP की जगह पे आपको यहाँ पे FRP फाइल देना है ना।
तो यहाँ पे बूट पारा पे बूट पारा फाइल देंगे हम। तो आपको यहाँ पे जो 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 हमने रीड किया है वो सारा के सारा हम यहाँ पे उसको वापस से राइट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सारा सारा के सारा फाइल्स में लगा दे रहा हूँ, परसिस्ट वाला भी फाइल है हमारे पास, परसिस्ट भी हम डाल देते हैं। और इसके बाद आपका एनवी रैम का भी एक फाइल होता है, वो भी एनवी रैम का हम फाइल लोड कर लेंगे। और सिंपली यहाँ पे राइट आपको क्लिक करना है, तो जो हमने रीड किया था वही हम प्रोसेस से हम उसको राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका राइट एंड रीड प्रोसेस कर सकते हैं, जो कि हमें इमिमसी निकाल के ये सारा प्रोसेस करना होता था यूएफआई के बॉक्स में और इजीज अटैक के बॉक्स में। लेकिन यहाँ पे अभी हम डायरेक्टली यूएसबी के थ्रू से हम फोन को कनेक्ट करके ये सारे चीजें यहाँ से ले सकते हैं। तो इसमें ये नया अपडेट आपके लिए आया है एमटीके 4.9 के अंदर, ठीक है। उसके बाद एमटीके 1 क्लिक के अंदर भी अगर देखेंगे तो इसके अंदर आपको कुछ और अपडेट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि रीड आरपीएम भी, राइट आरपीएम भी, इरेज आरपीएम भी, रिमो आईडी, ओप्पो आईडी, ये सारे एक लेटेस्ट अभी अपडेट्स में दिया है। ये पिछले अपडेट्स में भी आया था, लेकिन ये रीड आरपीएम भी, राइट आरपीएम भी जो है कि हमें मीडियाटेक के सेट में ये काम नहीं आता है। आरपीएमबी का जो रोल होता है आपको एमएमसी के क्लास में बताते हैं कि इसका क्या रोल होता है, और एमएमसी चेंजिंग के अंदर इस मीडियाटेक के लिए आरपीएमबी का कोई रोल नहीं होता। तो ये वैसे ही भी आपके कुछ काम का है नहीं, फिर भी ये वर्किंग वाला प्रोसेस है। यहां से आप रीड करके राइट भी कर सकते हैं आरपीएमबी। तो ये आपको यहाँ एक आरपीएमबी का भी ऑप्शन दिया है रीड करने वाला। और बाकी का आपको यहाँ पे सैमसंग का जो नॉक्स गार्ड है, ये तो इसके बारे में चलो ये हमारे लिए इल्लीगल वेबसाइट, ये चीजें हमारे लिए, ये नहीं कर सकते हम इसके लिए काम, तो इसे हम छोड़ देते। बाकी का जो अपडेट्स दिया है वही जैसा वैसा है, जैसा कि यहाँ पे फॉर्मेट एनवीआरएम डाटा था, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। हमें डायरेक्ट यहाँ पे पार्टीशन में आके एनवीआरएम बैकअप कर सकते हैं और एनवीआरएम को फॉर्मेट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो हमारा बेसबैंड और आईमिया का यहाँ पे सारा कुछ काम हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर न्यू अपडेट्स आते रहेगा तो हम आपको इस बारे में अपडेट्स देते रहेंगे, और इसके बाद जो भी अपडेट्स आएगा हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। और हमारे पास लास्ट तक वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए।